गदर 2 और OMG 2 में से सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, या फिर इन दोनों के जो पहले पार्ट थे वो ज्यादा अच्छे थे इनसे, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ठीक होते हो वैसे एक वीडियो बनाते हो, फिर बीमार हो जाते हो, ये चल रहा है मेरी लाइफ। जिसने अभी तक मूवी नहीं देखी पहले मूवी जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है। अगर बने हुए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। गदर 2 की कहानी क्या है? गदर 1 में हमने देखा था जो तारा सिंह की वाइफ होती है वो पाकिस्तान में चली जाती है, उसके बाद फिर उसको पाकिस्तान से जाने नहीं देता और न तारा सिंह को पाकिस्तान आने देता। फिर उसके बाद तारा सिंह जाते हैं हमारे पाकिस्तान और उजाड़ के आते हैं, पूरा तोड़ के आए सबको भाई, नल के वल के उखाड़ के आ गए वहां से, सब कुछ तबाह करने का। फाइनली हमारे तारा सिंह इंडिया वापस आ जाते हैं अपनी सीखने को लेके, यानी बीवी भाई, समझ गए ना तुम। और इसकी जो पार्ट 2 की कहानी है बिल्कुल सेम नहीं है भाई। पहली बारी में पापा गए थे, अब बेटा गया, और ये कहानी बाप बेटे की रिलेशनशिप को जो दिखाती है भाई, मजा आ गया मेरे को देख के। जब आप गदर 2 देखने लगते हो तो स्टार्टिंग के आधे घंटे तक मूवी यहाँ होती है, उसके थोड़ा डाउनफॉल आता है मूवी में, मगर उसके बाद जो मूवी पिकअप लेती है भाई, मजा आ गया। सीटियां ताली रुक नहीं रही थी हॉल से, मैं खुद बजा रहा था भाई। इस मूवी की मुझे एक बार सबसे अच्छी लगी कि पहले पापा ला एक सिकड़ी, उसके बाद बेटा लिया एक, समझ गया क्या बोलूं मैं। गदर 2 के ऐसे बहुत सारे डायलॉग है जो शायद आप भी भूल पाओ, मगर इसका सबसे फेमस डायलॉग जो एक मुझे लगा है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बेटे को बाप से मिलना है भाई। सब सीन एक तरफ और ये डायलॉग, ये एंट्री एक तरफ, मजा आ गया भाई। पैसे वसूल मूवी। गदर 2 में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा लगा चलो बताता हूँ। भाई मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, स्टार कास्ट सही है, एक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया है, बस दिक्कत एक छोटी सी ये लगी कि गदर का सेकंड पार्ट का कोई हिंट नहीं दिया हमको यार। मतलब क्या बनेगा नहीं क्या भाई, मैं बेकरार हूँ उसके लिए, मुझे देखना है ये, बनाओ तो सही जल्दी से यार। यही थी सबसे बेकार बात, बाकी तो मूवी जेन्युइन है। OMG 2 awesome movie भाई, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 से बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, और इसके पार्ट 2 में किसी की भी इंसल्ट नहीं करी भाई, बेहतरीन, बढ़िया, गजब। बस एक दिक्कत है, वो बता दो मैं अभी वीडियो में आगे, जाना मत यार, बीमार आदमी वीडियो बना रहा तुम जाने पे लग रहा नहीं। गुरु OMG 2 की कहानी बहुत अच्छी है और देखने पे लगता भी है कि कहानी में बहुत ज्यादा दम है, बस दिक्कत यही हो गई कि ये गलत टाइम पे रिलीज होगी, गदर के टाइम पे रिलीज होगी, बस यही गलत है इस मूवी के साथ। बाकी मूवी की स्टोरी ओसम भाई, अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत जबरदस्त तरीके से करती है, मजा आ जाएगा मतलब तुमको। कांति लाल क्या बंदा भाई, इस बंदे को हमेशा वकील का रोल दो यार, मैं बता रहा हूँ, पंकज त्रिपाठी को अगर हमेशा वकील का रोल मिलेगा ना, मैं जिंदगी भर देखना चाहूंगा इस बंदे को यार, इतनी गजब परफॉर्मेंस देता है चाहे वकील हो या ना हो। OMG 2 की कहानी क्या है? तो भाई लड़का भटक गया है, गलत रास्ते पे जा चुका है किसी के बहकावे में आके, इस चक्कर में कुछ वो ऐसा कदम उठा लेता है जिससे उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है और उसको स्कूल से निकाल देते हैं, और फिर उसी वीडियो के लिए उसको हर दिन एक नई समस्या से जूझना पड़ता है, और यही है इस मूवी की पूरी कहानी जो इसको बाकी मूवी से अलग कर। सिंपल सा टॉपिक है सेक्स एजुकेशन, जो हर एक स्कूल में मिलनी चाहिए, और ये पूरी लड़ाई है उसी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं होगा कि वो गूगल पे लिख रहा है तो उसका मतलब क्या बनता है, तो वो क्या समझ पाएगा उसको, और यही है इस मूवी का बेस्ट पॉइंट जो इस मूवी को बाकी मूवी से अलग करती है। और मुझे सच में ऐसी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है भाई, इसमें अक्षय कुमार है, यामी गौतम है, पंकज त्रिपाठी है, मगर आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये मूवी अक्षय कुमार की है, मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि अक्षय कुमार इसमें एज अ अक्षय कुमार थे, बस पंकज त्रिपाठी को सही रास्ते दिखाने वाले महादेव, इसका किरदार हमारे अक्षय कुमार ने करा है, जैनमैन। बाकी यामी गौतम तो थी भाई, फ्लैट है यार हम तो, उत्तराखंड की ब्यूटी वही है बस। OMG 2 में मुझे कौन सा डायलॉग ज्यादा पसंद आया भाई? सारे। इसकी जो कोर्ट की स्पीच होती है एक नंबर भाई। OMG 2 मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मूवी की कहानी वेल एंड गुड है, जबरदस्त एक्टिंग, बढ़िया स्टार कास्ट, सब बढ़िया है, बस दिक्कत एक ही थी, गलत टाइम पे रिलीज हो गई। अब गदर 2 और OMG 2 में से कौन सी ज्यादा अच्छी मूवी है? तो भाई दोनों मूवी के पॉइंट अलग अलग है। तो गुरु एक मूवी रिप्रेजेंट करती है देश को और एक मूवी रिप्रेजेंट करती है ज्ञान को, दोनों के टॉपिक अलग अलग है, तो दोनों अपनी जगह बेस्ट मूवी है। अगर आप कंपेयर करने पे जाओगे तो शायद इस टाइम गदर 2 जीत जाए, मगर OMG 2 भी बहुत अच्छी मूवी है भाई। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर तुम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, मिलेगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।